हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 5 को, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2:3। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। आपको गिवन क्या है, एक सिलेंडर है, ओके, और रेशियो गिवन है आपको रेडियस, ओके, और हाइट का। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लेंगे रेडियस और हाइट का आपको रेशियो गिवन है। कितना गिवन है? 2:3। ओके, तो आप कॉमन रेशियो मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉमन रेशियो इज एक्स। ओके, तो आपके पास रेडियस हो जाएगी 2x, ओके, और हाइट हो जाएगा 3x। ओके, इसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो आप यहां पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज कितना होता है बच्चों? 2πr r + h। लेकिन बच्चों, इस फॉर्मूले में आपको r का वैल्यू नहीं पता, h का वैल्यू नहीं पता, तो आप अभी तो इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम की हेल्प से आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ओके, तो जैसे ही आपके पास x का वैल्यू आता है तो आप रेडियस और हाइट का वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, कितना गिवन है आपको? 1617। फॉर्मूला आप यहां पर लिखेंगे, फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1617। तो अब बच्चों, यहां पर आर और एच की जगह आपको क्या रखना है, 2x और 3x, ओके, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ओके, इस तरीके से इंटू एच, एच का वैल्यू आप रखेंगे 3x इज इक्वल टू 1617। तो यहां से आप x का वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 22/7 इंटू 4x² इंटू 3x इज इक्वल टू 1617। ओके, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप यहां पर लिख लेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आपके पास आ जाएगा x³ का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1617 इंटू 7, ओके, ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे आपका ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी, ओके, इसका मतलब है 22 इंटू, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा आपका 12, ओके, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42.875, ओके। और बच्चों, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं, ओके, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5, ओके, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाता है 3.5, ओके। अब यहां पर आप सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 2 इंटू जो आर का वैल्यू है आपके पास 2x था, ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं 3.5, तो ये वैल्यू आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, ओके, और h का वैल्यू है आपके पास 3x, ओके, तो 3 × 3.5, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10.5,
ठीक है, तो R और H का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपको मिल चुका है, तो आपको सिंपली यहां पर वैल्यूज को पुट करना है टोटल सरफेस एरिया के अंदर। ओके, तो चलिए पुट कर देते हैं। 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर का वैल्यू 7। ओके, और यहां पर देखिए R प्लस H, तो 10.5 प्लस 7 आपके पास कितना आ जाएगा, 17.5। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 17.5। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 2 इंटू 22 ये आपका 44 होगा इंटू 17.5। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ ऑफ फॉर्म अ सिलेंडर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर आपको गिवन है, ओके, जिसका मेजरमेंट है 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। ओके, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है आपका, इसका मेजरमेंट है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो ब्रेड्थ है इसका मेजरमेंट है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, ओके, दैट इज 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ आपको दोनों गिवन है। ओके, अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ ऑफ फॉर्म अ सिलेंडर, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है इसको हमने क्या किया है, रोल कर दिया है, और जैसे ही आप इसको रोल करोगे तो ये कैसी फॉर्म में आ जाएगा, सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और आपको यहां पर ध्यान रखना है जो इसका ब्रेड्थ है वो इसका हाइट होगा। मेरी बात आ रही है समझ में, आप इसको यहां से रोल करना स्टार्ट कीजिए तो ये जो आपका ब्रेड्थ है इस सिलेंडर के लिए हाइट रहेगा। मेरी बात आ गई समझ में, ओके। आगे क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड, यानी कि अभी अभी जो आपका इस शीट की वजह से सिलेंडर फॉर्म हुआ है इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो बच्चों फॉर्मूला आपको मालूम है, अब आपको चाहिए आर और एच का वैल्यू। अब यहां पर आपको हाइट का वैल्यू मालूम है, ओके, आपको निकालना है आर का वैल्यू, और जैसे ही आपके पास आर का वैल्यू आता है आप आसानी से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखिए आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, आपने इसको रोल किया है, ओके, ये जो लेंथ है, ठीक है, इसके हिसाब से आपने इसको रोल कर दिया टोटल, तो यहां पर ये जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, यही तो होगी, ये जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर, जब आपने इसको रेक्टेंगुलर शीट से सिलेंडर में फॉर्म कर दिया तो ये लेंथ होगी आपकी, मेरी बात आ रही है समझ में, और ये किसके बराबर होगा, ये इसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, और ये फॉर्म करता है आपका सर्कल, ठीक है, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ओके, अब ध्यान देना बच्चों, इसका वैल्यू 44 होगा, ओके, इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना है, 44 है, क्योंकि लेंथ आपको गिवन थी, मेरी बात आ गई समझ में, तो ये आपका 44 के बराबर है, कितना, 2πr। अब यहां से बच्चों आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, मेरी बात आ गई समझ में, तो चलिए यहां से आप फाइंड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 22, ठीक है, 22 इज इक्वल टू, ये आप लिख लेंगे 22 अपॉन 7 इंटू आर, ठीक है, तो ये 22 से आपका ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आर का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है, आपके पास आर का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। तो बच्चों आपने यहां पर क्या किया था, ये जो लेंथ है बेसिकली आपकी सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ये बन गया आपका सर्कमफेरेंस, और यहां से आपने निकाल लिया आर का वैल्यू। तो बच्चों अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम, क्योंकि
क्योंकि आर का वैल्यू आपको मिल चुका है 7 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू आपको मालूम है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ओके 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 7 × 7 कर देंगे और हाइट आपकी 20। ओके तो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 22 × 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 140। और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, ओके, जिससे आपकी वजह से बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।